आप देख रहे हैं आज तक पे हमें लाइव। मैं हूं सुशांत मेहता, मेरे साथ हैं राधिका और जुगल। स्वागत है आप दोनों का ही। पहले तो फिर से एक नई मूवी रिलीज होने के वक्त ही फिर से नए विवाद। अब MNS और शिवसेना इकट्ठे होकर बोल रहे हैं कि टाइगर जिंदा है को इतनी स्क्रीन्स क्यों मिली हैं। यहाँ पर मुंबई की जो फिल्म है देवा, उसको प्राइम टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है। कोई बोल रहे हैं दादागिरी करी है बॉलीवुड वालों ने। बॉलीवुड वालों को समझना चाहिए कि मुंबई महाराष्ट्र में ही फिल्म बनती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लगती है, और इनकी फिल्म कैसे लग सकती है, हमारी फिल्म लगनी चाहिए, स्क्रीन शेयरिंग होनी चाहिए। टाइगर जिंदा है बहुत बड़ी फिल्म है इस साल की, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म है। यशराज प्रोडक्शंस भी है, तो यशराज ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन्स लेंगे। और ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत बुरा रहा है, तो चाहते भी होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स की ज़्यादा माल बनाए इस पिक्चर के थ्रू। अगर अच्छी करती है, सब चाहते होंगे कि बिजनेस और आए। तो ये जो मराठा प्राइड है, मराठी जो पुश करना चाहते हैं MNS, ये पॉलिटिक्स है या बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जुगल, आप खुद मुंबईकर हैं, मुंबई से ही हैं, तो आप बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये मराठी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा है कि टाइगर जिंदा है के शोज़ कम करो और मराठी फिल्मों को प्राइम टाइम स्लॉट में दिखाओ। इसको आप पॉलिटिकली देखते हैं कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड है ये सारा मूवमेंट, या इससे भी ज़्यादा कुछ है? नहीं सुशांत, देर इज़ नो डाउट कि ये पूरा जो स्टैंड लिया गया है ये टोटली पॉलिटिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने ही बताया अभी कि एक मार्केट डिसीजन होता है, मार्केट ओरिएंटेड डिसीजन होता है। अगर एक मूवी आ रही है जिसकी पोटेंशियल है, उसे मार्केट ज़्यादा स्क्रीन देगा, जिससे पोटेंशियल कम है उसको मार्केट कम स्क्रीन देगा। फैक्ट ये है कि मराठी मानुस और मराठी मानुस को डरा के, उसकी साइकी को डरा के शिवसेना और MNS ने अपने पॉलिटिक्स को बहुत सालों तक खेला है। उस पर कई बार दंगे हुए हैं, वायलेंस हुआ है, हमने सबने रिपोर्ट किया है उसको। और आज जबकि एक कमर्शियली ड्रिवन सिचुएशन के बारे में इस तरह से फिर से पॉलिटिक्स करना, आई डोंट थिंक कि उसमें पॉलिटिकल एंगल के अलावा और कोई एंगल ही है। दूसरी बात अगर करें तो मराठी मूवीज़ की, क्योंकि यस, एक सेक्शन है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो ये बिलीव करता है कि लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, विच इज़ फाइन, वो ऐसा बिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर एज नाउ प्योरली एज अ मुंबई कर अगर मैं कहूँ, तो पहले के मुकाबले अब मल्टीप्लेक्सेस हैं जिनके मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, जहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मराठी मूवीज़ ही नहीं बल्कि और कई रीजनल वर्नैकुलर मूवीज़ को स्क्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो पहले नहीं मिल पाता था। आज हमने कई मराठी मूवीज़ को जाके मल्टीप्लेक्स में देखा है, जबकि पहले ये सीन नहीं हुआ करता था। तो ऑब्वियसली एक चेंज आया है, लेकिन क्या ये चेंज शिवसेना और MNS को सेटिस्फाई करता है या नहीं, वो एक सवाल नहीं होना चाहिए। मार्केट ड्रिवन डिसीजन है, और पहले से ज़्यादा आज महाराष्ट्रियन फिल्म मेकर्स कहो या कोई भी लैंग्वेज फिल्म मेकर्स को ज़्यादा स्कोप है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा राधिका, आपसे पूछूंगा, जैसे कि जुगल ने भी बताया, मैंने ये भी देखा है कि जो स्मॉल मूवीज़ हैं, जैसे मराठी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, काफ़ी बार ये भी सुनने में आता है कि वो खुद जाते हैं यूनो इन पार्टीज़ के पास कि हमारी पिक्चर प्राइम टाइम में नहीं लग रही है, हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। आप क्या सोचती है, इस साल बहुत बुरा रहा जैसे मैंने बोला बिजनेस के लिए, हमारी पिक्चरें अच्छी नहीं करी या रिलीज ही नहीं होने दी, तो विवाद हर फिल्म जैसे ही रिलीज होती है उस पर विवाद भी बहुत सारे बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं, और जो मैंने बिजनेस के ओरिएंटेड बात भी बोली उसके बारे में। सही बात है सुशांत, बात तो सही है। एक्चुअली कई हिट फिल्में जो हिट हो सकती थी, जैसे सलमान खान की अभी जो आई थी ट्यूबलाइट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बड़ी जब हैरी मेट सेजल, तो अगर खान की पिक्चरें ही फ्लॉप हो रही तो आप सोच सकते हो मार्केट कितनी बुरी हालत में होगा। उसके बाद एज जुगल सेड, अल्टीमेटली फिर उस सिचुएशन में अगर आप ग्राफ देखोगे तो इट इज़ अ मार्केट, इट्स अ कमर्शियल डिसीजन। क्योंकि अगर सिनेमा थिएटर्स, थिएटर ओनर्स की पिक्चरें, खान्स की पिक्चरें अगर अच्छी नहीं कर रही हैं, पद्मावती रिलीज नहीं हो रही है, सलमान खान की ये सीक्वल है और ये आई थिंक 1.5 ईयर्स के बाद सलमान खान की पिक्चर आ रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। वो तो अपनी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। उसके बीच में आई फील कि हर चीज़ में आजकल, जैसे पद्मावती में पॉलिटिक्स आ गई, विराट अनुष्का की शादी में BJP MLAs बोल रहे हैं कि शादी बाहर नहीं, यहाँ पर करनी चाहिए थी, टूरिज्म, पोलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स, हर चीज़ आजकल एंटरटेनमेंट में आ जाता है। इस तरीके से इस ग्राफ पे अगर हम चलते रहे तो फिल्म मेकर्स हर एक मूवी बनाने से पहले डरेंगे, और सून मुझे लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री ही कम पड़ जाएगी, होगी सेंसरशिप थी, उसके बाद ये सारा
समाज कल्याण और यू नो ये सब आ गया, सभ्यता वाला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद ये मराठा प्राइड आ जाता है, कहीं पे और कोई प्राइड आ जाता है, फलान ढमकान बहुत हो जाता है, कोई पाकिस्तानी एक्टर के पीछे रोता है, यू नो कुछ और विमेन राइट्स इश्यूज आते हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पिक्चरों के लिए नुकसान हो रहा है मुझे ये लग रहा है। जुगल, मैं आपसे ये जो मैंने राधिका से पहले पूछा, आपको लगता है कि जो छोटी बजट की फिल्में बनाते भी हैं, जैसे मराठी फिल्म मेकर्स हैं, वो भी जा सकते हैं इन लोगों के पास बोलने के लिए, क्योंकि उनके पास एक कार्ड है, उनको पता है कि ये कार्ड हमें मिलेगा। अब जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं लास्ट वीक ऑफ रिलीज में, उनको पब्लिसिटी भी मिलती है, उनको पब्लिसिटी के बियॉन्ड हो सकता है स्क्रीन्स भी मिल जाए, यू नो बिकॉज क्लाउड तो है शिवसेना का और राज ठाकरे का, उधर दे हैव द से, वो बुली कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, एंड एक और चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि जो वहाँ पे मुंबई की जो मेन फिल्म सिटी का इलाका है जहाँ सारी शूटिंग्स होती है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, और वो स्ट्रॉन्ग यूनियंस शिवसेना, MNS और इन पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन पार्टियों के फिल्म के यू नो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनियंस भी हैं, तो ऑफकोर्स ये असर करता है, ऑफकोर्स ये पार्टीज़ क्या स्टैंड लेती है असर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एंड ऑफकोर्स ये भी बात सही है कि एक फिल्म मेकर चाहेगा कि एज दे से कि पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी वेदर गुड और बैड, सो एक फिल्म मेकर ऑफकोर्स चाहेगा कि उसकी मूवी और उसके मूवी के नाम के बारे में चर्चा हो, लेकिन अल्टीमेटली सुशांत पॉइंट ये आता है कि हु इज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन दिस। ये एक कमर्शियल डिसीजन है, एक सिनेमा ओनर अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए डिसीजंस ले रहा है, नाउ वेदर ही और शी कैन डिसाइड इंडिपेंडेंटली और नॉट, दैट इज़ द की क्वेश्चन। और इसमें अब गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी है वो तो हमें देखना है, गवर्नमेंट ऑफकोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये एक अल्टीमेटली कमर्शियल डिसीजन है, एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है लेकिन एक कमर्शियल डिसीजन है, और इस डिसीजन को लेने के लिए फ्रीडम कितना है मुंबई में, कितना फ्रीडम है फिल्म मेकर्स में, ये सवाल आज इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सॉल्व होगा और हमें पता चलेगा कि रियली ऑटोनॉमी है या नहीं है। मुझे लगता है ये जो आपने बोला वो तो लास्ट ईयर भी पूरा हो गया था, जब करण जौहर को राज ठाकरे ने बुला लिया था, चीफ मिनिस्टर ने खुद बुलाया उनको कि आए मेरे साथ बैठे घर पे मीटिंग कर रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल लास्ट ईयर हो ही गया था कि हाँ भाई कैसे क्या होता है, और उससे मुझे लगता है बहुत हिम्मत भी बढ़ गई है, और हिम्मत बढ़ी नहीं है मतलब उनको लग रहा है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई स्टैंड लेगा नहीं, कोई इन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा नहीं, बॉलीवुड इकट्ठा होगा नहीं, सबको अपना अपना काम करना है, तो दे विल हैव देयर से, दे विल हैव द लास्ट लाफ, बहुत बार दिखा गया MNS शिवसेना। इनफैक्ट अभी पद्मावती के दौरान जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उस स्टोरी को, मुझे याद है एक फिल्म मेकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब एक ऐसा समय आने वाला है इंडिया में, जबकि जैसे हम कोई कानून पास करते हैं ना, तो कानून को पास करने से पहले उसे पब्लिक डोमेन में 30 days या 60 days के रखा जाता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन सजेशन है वो आके बताए और फिर हम उसमें चेंजेस करें। तो एक फिल्म मेकर ने कहा था कि अब शायद हर एक मूवी की स्क्रिप्ट को भी पब्लिक डोमेन में 60 days के रखना पड़ेगा, ताकि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और जो ये सेना वेना है ये लोग आके अपने ऑब्जेक्शन या सजेशन दे और उसके बाद फिल्म मेकर्स बनाए। तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए ये कितनी शर्मिंदा होने की बात है, ये सवाल है। फाइनली खत्म करना है हमें ये, लेकिन फाइनली मैं आप दोनों से ये पूछूंगा, राधिका आपसे पहले, कि ऑन द फ्लिप साइड आपको ये लगता है कि छोटी फिल्में जो हैं और बड़े और इनमें आपस में भी झगड़े हुए हैं बाय द वे, जब जैसे यू नो अजय देवगन की मूवी रिलीज हो रही थी और यशराज की एक मूवी रिलीज हो रही थी, अजय देवगन को स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, तो वो बाहर गए, उन्होंने बोला कि यार मुझे स्क्रीन्स नहीं मिल रही है एग्जिबिटर्स से, ये बिकॉज लेट्स फेस इट, यशराज इज द बिग डॉग इन द गेम, यू नो दे आर द बिगेस्ट, वो सबसे बड़े वो ही हैं, तो अगर वो एग्जिबिटर को बोलते हैं कि मुझे स्क्रीन्स चाहिए तो कोई एग्जिबिटर उनको मना नहीं कर सकता, और ये अजय देवगन ने भी पॉइंट बनाया उठाया था। तो बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तो ऐसे तो बुली कर सकते हैं और यू नो दे कैन टेक ओवर ऑलमोस्ट ऑल स्क्रीन्स, तो आपको इसमें कुछ जिस तरीके से ये कर रहे हैं मुझे लग रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर कोई छोटी फिल्म रिलीज हो रही है बड़ी फिल्म के साथ तो उनको भी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, कुछ तो होना, गाइडलाइंस, देयर शुड बी अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कि एक यू नो थिएटर ओनर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, रीजनल फिल्म प्रोड्यूसर्स को बैठ के दे शुड फॉर्मुलेटेड कि भाई उसमें आप इतने नंबर की स्क्रीन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़ी पिक्चर है, क्योंकि अल्टीमेटली वेदर इट इज़ अ स्मॉल बजट फिल्म या फिर रीजनल फिल्म हो,
उसकी जो व्यूअरशिप है आ सकती है, पर वो मतलब यू नो उसकी स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, पब्लिक को पता तो होना चाहिए कि वो सही टाइम पे एक फीजिबल टाइम पे लग रही है कि हम जाके वो पिक्चर देख सकते हैं। अगर हमारी सुबह 5 बजे की कोई या सुबह 9 बजे की कोई पिक्चर लगी हुई है वीकडे में, तो आप कैसे जाके देखोगे? वही है ना। और दोपहर को 3 बजे ठीक है हाउसवाइफ चली जाएंगी या यू नो दादियाँ नानियाँ चली जाएंगी, बट एग्जैक्टली तो वो भी बहुत आप सही कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बट उसका एक सोल्यूशन तौर तरीके से होना चाहिए। उसमें आई थिंक पॉलिटिक्स शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें एमएनएस नहीं शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अ कमर्शियल क्रिएटिव डिसीजन, एंड जो उस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इन्वॉल्व है पीपल, उनको वो फॉर्मुलेट करके आपस में तौर तरीके से वो करना चाहिए। जुगल से जुगल, जैसे यही मैंने सेम चीज पूछी, इसको ये तो बताइएगा एक एडिशन ये भी कि एमएनएस का फ्यूचर, एमएनएस तभी दिखती है मुझे जब राज ठाकरे कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या करण जौहर पे आपत्ति करते हैं या इन पे करते हैं, बाकी ऑन ग्राउंड उनका क्या बन रहा है, कुछ है? एज अ मुंबईकर आई विल से दैट एमएनएस कंटिन्यूअसली अपना ग्राउंड लूज कर रही है। लास्ट डेकेड के बीच में बनाई हुई पार्टी थी, इनिशियली काफ़ी प्रॉमिस दिखाया, लेकिन कंटिन्यूअसली उनका स्लाइड चल रहा है। लास्ट महाराष्ट्र इलेक्शंस में ऑफकोर्स क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिक्स भी करते थे और खुद राज ठाकरे भी करते थे, लेकिन फैक्ट है कि वोटर्स शायद इस बात को नहीं मानते हैं, इसीलिए बाला साहेब ठाकरे की डेथ के बाद भी शिवसेना अपने जगह पर है, आज भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, गवर्नमेंट में है, और एमएनएस का कंटिन्यूस स्लाइड चल रहा है। आंसरिंग योर क्वेश्चन सुशांत, इफ देखिए मतलब ये कहने के लिए तो ऑफकोर्स आसान है कि कोई फॉर्मूला बनाना चाहिए, रूल होना चाहिए एंड ऑल दैट, बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब न्यूटन को इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर डिक्लेयर किया गया था, आई विल से एज अ जर्नलिस्ट मुझे न्यूटन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ तो उसी हफ्ते में मैंने कोशिश की कि मैं उसको जाके देखूँ कहीं मल्टीप्लेक्स में, एंड उसके नेक्स्ट वीक में सॉरी, एंड आप मानेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स नॉमिनेशन न्यूटन इतने सारे स्क्रीन्स पे आ गई थी, और बिकॉज ऑफ दैट डिस्पाइट दैट मुझे उसकी टिकट्स नहीं मिल रही थी। सो माई पॉइंट इज कि आज डे एन एज है सोशल मीडिया का, यू नो आज डे एन एज है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का, तो अगर एक अच्छी मूवी रही, वो चाहे एक सायरथ ही क्यों ना हो जो मराठी में रिलीज हुई थी, या कोई ब्लॉकबस्टर थी, या कोई और मूवी किसी और लैंग्वेज में रिलीज हुई हो, द फैक्ट इज कि आज वो ज़माना है जब ऑडियंसेस ढूंढ के पैसे दे के देखेगी, तो आई थिंक दिस इज़ अ डिसीजन विच इज़ प्योरली मार्केट ड्रिवन। और अगर यशराज की बात करें, द बिग बॉय और द बिग डॉग इन द रेस, इफ इट्स अ बैड मूवी यशराज विल हैव टू विड्रॉ आफ्टर अ वीक, इट कांट कीप यू नो बर्निंग इट्स मनी, तो अगेन द मार्केट विल कम इन टू द पिक्चर। सो आई फील दैट लेट्स लीव दिस टू द मार्केट, पॉलिटिशियंस सीरियसली हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड फिक्स इन दिस कंट्री, द लास्ट शुड बी अबाउट मूवीज। पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो फ्रेमवर्क के लिए होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया आप दोनों का, और देखते रहिए आज तक।